सबसे पहले तो क्या तारीख है आज? 14 क्या है? अगस्त, सितंबर और 14 दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कौन सा हिंदी दिवस? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में, ना कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था। कहां पर? संविधान में। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राजभाषा। भारत में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल कौन सी भाषा है? राजभाषा। क्लियर? तो इसे संविधान में शामिल किया, इसलिए 14 सितंबर को एक दिवस है हमारा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दो दिन बाद 16 सितंबर आएगा और जो ओजोन परत से संबंधित एक दिवस है, ओजोन संरक्षण दिवस। कौन सा? ओजोन संरक्षण दिवस। तो मैंने आज का एक दिवस बता दिया, एक परसों का। चलो कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लें। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद कितने? चार। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। टेप लगा के आया क्या बेटा? टेप लगा के आया क्या? तो बोल फिर। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद। सामवेद का गंधर्ववेद। सामवेद का गंधर्ववेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमने कौन सी सभ्यता स्टार्ट की? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। दूसरा उत्तर वैदिक काल। क्लियर? अब हम वैदिक सभ्यता में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैंने कल आपको समाधियां भी बताई थी। चलिए, शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी। अगर कहा जाए कि हमारा कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति? 9वें। कौन से? 9वें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। मैंने कहा हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। अब मेरी बात को गौर से सुनना। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। कितने मंडल? 10 मंडल। आपको समझ में नहीं आता, भाग मान लीजिए। ऋग्वेद के कितने भाग? 10। लेकिन वास्तव में उसे भाग नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? मंडल। तो मैंने कहा ऋग्वेद के कितने मंडल है? 10। ऋग्वेद के कितने मंडल है? 10। ऋग्वेद के कितने मंडल है? 10। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ऋग्वेद का 7वां मंडल, ऋग्वेद का 7वां मंडल जो है, इसमें एक युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? युद्ध का। और इस युद्ध को कहा गया 10 राज्य युद्ध। कौन सा युद्ध? 10 राज्य युद्ध, है ना। 10 राज्य युद्ध दो कबीलों के बीच हुआ था। और इसका उल्लेख हमें जिस मंडल में मिलता है वो मंडल कौन सा है? 7वां। कौन सा मंडल? 7वां। तो ऋग्वेद के कितने मंडल है? 10। ऋग्वेद के कितने मंडल है? 10। ऋग्वेद का कौन सा मंडल 10 राज्य युद्ध का वर्णन करता है? 7वां। 10 राज्य का वर्णन करता है 7वां। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, क्या ये? गायत्री मंत्र। और हम जानते हैं कि हमारा जो गायत्री मंत्र है, कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। स्कूलों में होता था पहले, भोजन के पहले करते थे, है ना। भोजन के पहले गायत्री मंत्र होता था। अब तो सब काम चौपट हो गया है, कोई स्कूलों वालों को फिक्र नहीं। पहले गायत्री मंत्र होता था स्कूलों में, है ना। अभी भी होता है कहीं कहीं, सरस्वती विद्या मंदिर में होता है अभी अभी। बाकी स्कूलों में तो सुनने को नहीं आता,
इंग्लिश मीडियम वाले अपना ही राग लाते होंगे, है ना, सीबीएसई वाले अपना पढ़ाते होंगे, तो मेरे ख्याल से तो गायत्री मंत्र की अगर बात करें तो गायत्री मंत्र किससे लिया गया, ऋग्वेद से। 10 राग युद्ध का वर्णन 7 में, टोटल मंडल 10, टोटल मंडल 10। दूसरी चीज वर्ण व्यवस्था, कैसी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। वर्ण 4 बताए गए, कितने वर्ण, 4, और हम देखते हैं 4 वर्ण कौन कौन से, तो हम देखते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये क्या है, 4 वर्ण है। अब मैंने केवल वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा, 2 भाग, बिल्कुल आराम से सुनना। ऋग वैदिक काल में, कौन से काल में, ऋग वैदिक काल में, बिल्कुल टेंशन फ्री होके सुनना। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, किस पर आधारित थी, कर्म पर। मतलब आपका जन्म जिस वर्ण में हुआ है वो मायने नहीं रखता, किस पर आधारित थी, कर्म। कर्म मतलब जो आप काम कर रहे हैं। जबकि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित हो गई, जन्म पर। तो कैसे याद करेंगे, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौन से वेद में, ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौन से वेद में, ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था के कितने भाग, 4, कौन कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ऋग्वेदिक काल में किस पे आधारित थी, कर्म पर। शूद्र का व्यक्ति क्या शिक्षा दीक्षा दे सकता था, दे सकता था, क्योंकि कार्य महत्वपूर्ण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म महत्वपूर्ण हो गया। तो ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, कर्म पर। उत्तर वैदिक काल में जन्म पर, उत्तर वैदिक काल में जन्म पर। दूसरी चीज, जब हम ऋग्वेद देखते हैं और हम जानते हैं कि ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है ना, हम केवल अग्निवीर के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, है ना, कौन से वीर के हिसाब से, अग्निवीर, है ना। और अग्निवीर क्यों नाम दिया, क्योंकि अग्नि से जो तप के आता है वो खरा सोना होता है, बिना तपे आप गोल्ड नहीं बन सकते। सोने की कीमत कब ज्यादा होती है, जब खदान में से निकलता है तब, या तप के निकलता है तब, तप के निकलता है। तो मैंने कहा सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो थे इंद्र। ऋग्वेदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से, इंद्र। इंद्र को किसका देवता माना गया, वर्षा का। किसका, वर्षा का। आप देख लो, भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को कहा कि यार तुम ये इंद्र की पूजा करते हो, इससे किसकी पूजा करो, गोवर्धन की। तो गोवर्धन की पूजा की उन्होंने, कौन रुष्ट हो गए, इंद्र। और बहुत आंधी तूफान चलने लगा और अपनी उंगली पे उठा लिया, कौन से पर्वत को, गोवर्धन पर्वत। और गोवर्धन को उठा लिया, गोवर्धन क्या है, पर्वत। और पर्वत को धारण किया, पर्वत का हिंदी एक और पर्यायवाची है गिरी, और गिरी को धारण किया, इसलिए वो क्या कहलाए, गिरिधर। क्या कहलाए, गिरधर। गिरधर जिसने किसको धारण किया, पर्वत। और पर्वत को धारण करने वाला कौन, कृष्ण। तो हमने कहा कि ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जिस नदी का उल्लेख आया है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जिस नदी का उल्लेख आया वो नदी कौन सी, सिंधु। सर्वाधिक बार उल्लेख कौन सी नदी का, सिंधु। तो मैंने कहा सर्वाधिक बार उल्लेख, सर्वाधिक बार उल्लेख कौन सी नदी का, सिंधु। लेकिन सबसे पवित्र नदी मानी गई सरस्वती, सबसे पवित्र नदी कौन सी, सरस्वती। सबसे पवित्र नदी कौन सी, सरस्वती। सब सर्वाधिक बार उल्लेख कौन सी नदी का, सिंधु। सर हम तो आज गंगा जी आते हैं,
तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख, किसका उल्लेख? गंगा का उल्लेख। गंगा का उल्लेख कितनी बार आता है? एक बार। फिर आ जाओ, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद। ऋग्वेद के कितने मंडल? 10। ऋग्वेद के कितने मंडल? 10। दश राग युद्ध का वर्णन? 7वां मंडल। दश राग युद्ध का वर्णन? 7वां मंडल। दश राग युद्ध का मंडल? 7वां मंडल। अगर कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र, सर्वाधिक बार उल्लेख नदी, सबसे पवित्र नदी गंगा का उल्लेख, वर्ण व्यवस्था वैदिक सभ्यता में कौन से में? ऋग्वेद। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब ऋग्वेद में कुछ नदियों का नाम मिलता है जिनको हम आज किसी और नाम से जानते हैं। जैसे एक नदी है, इसका नाम है वितस्ता। क्या नाम है? वितस्ता। आपने एक झील का नाम सुना होगा, शेषनाग झील। कौन सी झील? शेषनाग झील। शेषनाग झील से जिस नदी का उद्गम होता है वो झील, वो नदी कौन सी? झेलम। और झेलम वर्तमान नाम है, लेकिन इसका पुराना नाम क्या है? वितस्ता। झेलम का पुराना नाम वितस्ता, वितस्ता का वर्तमान नाम झेलम, झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता, का वर्तमान नाम झेलम, का प्राचीन नाम वितस्ता, का वर्तमान नाम झेलम। क्लियर? अस्किनी, अस्किनी, चिनाब। कौन सी नदी? चिनाब। कौन सी नदी? चिनाब। पोरुषनी, पोरुषनी, पोरुषनी का वर्तमान नाम रावी, पोरुषनी का वर्तमान नाम रावी, पोरुषनी का वर्तमान नाम रावी, पोरुषनी का वर्तमान नाम रावी। अरे लाहौर में कौन सी नदी? रावी। लाहौर में कौन सी नदी? रावी। लाहौर कौन सी नदी? रावी। और लाहौर कहां आता है? पाकिस्तान। लाहौर कहां आता है? पाकिस्तान। हे भैया, हे दोनों जगह जाती वहां है, निकलती यहां से। विपाशा सर, विपाशा, विपाशा का वर्तमान नाम व्यास, विपाशा का वर्तमान नाम व्यास, विपाशा का वर्तमान नाम व्यास। शतुद्री, शतुद्री का वर्तमान नाम सतलज, शतुद्री का वर्तमान नाम सतलज। फिर आ जाओ, वितस्ता झेलम, वितस्ता, 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 अस्किनी, 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 पुरुषनी, पुरुषनी, वितस्ता झेलम, वितस्ता, वितस्ता। मुंह पे लगाम रखो और दिमाग को टाइट करो। वितस्ता, वितस्ता, पुरुषनी, पुरुषनी, अस्किनी, अस्किनी, विपाशा, विपाशा, वितस्ता झेलम, वितस्ता झेलम। किसकी सहायक नदी? सिंधु की। झेलम किसकी सहायक नदी? सिंधु की। चिनाब किसकी सहायक नदी? सिंधु की। अरे सतलज किसकी सहायक नदी? सिंधु की। तो वितस्ता मतलब झेलम, अस्किनी चिनाब, पोरुषनी रावी, विपाशा व्यास, विपाशा व्यास, विपाशा व्यास। सदानीरा, गंडक, सदानीरा किसका नाम है? गंडक। और गंडक गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? गंगा की। तो ये नदियां, ये इनके वर्तमान नाम, वर्तमान नाम, और ये कैसे नाम हो गए? प्राचीन नाम। लिखना, ऋग्वेद के 10 मंडल, ऋग्वेद के 10 मंडल हमें देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल हमें देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। इसमें 7वां मंडल, अंडरलाइन करो, मैं अग्निवीर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तुम ये मत चिंता करो, ये ज्यादा है, कुछ ज्यादा नहीं है। 10th तक पढ़े हो ये नाम,
मैं चैप्टर बता दूं आपको, अधिकांश लोग एमपी बोर्ड से पढ़े होंगे, नाइन्थ क्लास में आपका चैप्टर नंबर 9 प्राचीन भारत, उसमें देखो नाइन्थ स्टैंडर्ड का। और तुमने जीडी के लिए कौन सा स्टैंडर्ड पास किया? 10वीं। जीडी कौन से लगा है? 10वीं। तो 10वीं तक का नहीं पूछेगा क्या? सर हमने तो स्कूल में पढ़ा ही नहीं। अब वो पढ़ा नहीं पढ़ा वो छोड़ो, अपने को अभी पढ़ना है। क्लियर बात? सर स्कूल में तो सब पढ़ाया अभी जाए टीचर ने, तुम इधर उधर देखने में व्यस्त थे, तो वो टीचर भी क्या करे? क्लियर? वो उसको पेन मार रहा है, वो उसको ये मार रहा है, तुम पढ़े नहीं। और सोशल साइंस वाले टीचर की इमेज खराब की तुमने कि उसके लेक्चर में नींद आती है। फोकट की बात, कोई नींद नहीं आती। पढ़ाते हैं बेचारा, तुम नहीं पढ़ते हो बात अलग है, किताब मुंह पे रखोगे मूंगफली खाओगे दोस्त के साथ, तो वो भी क्या करे? सब मालूम मेरे को, मैंने भी किया कभी कभी। चलिए लिखे, क्या लिखा आपने? इसका सातवां मंडल 10 राज्य युद्ध, बेटा अंडरलाइन करो, इसका सातवां मंडल 10 राज्य युद्ध का वर्णन करता है। इसका सातवां मंडल 10 राज्य युद्ध का वर्णन करता है। बड़ा ये अंडरलाइन कर लेना है ना बोर्ड पे, 10 राज्य युद्ध का वर्णन करता है। यह युद्ध पौरुषणी नदी, मतलब यह युद्ध पौरुषणी नदी, पौरुषणी नदी मतलब रावी, पौरुषणी नदी के किनारे हुआ था। यह युद्ध पौरुषणी नदी के किनारे हुआ था। बड़ा पॉइंट में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही मिलता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में ही मिलता है, ऋग्वेद में ही मिलता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। अगला पॉइंट लिखना, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट, कर्म को नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे कर्म क्या होता है सर? मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये मेरा क्या है? कर्म। अब मेहनत कर रहे हो एग्जाम के लिए, खूब मेहनत कर रहे हो ताकि अब अग्निवीर बन जाओ, आप भी क्या कर रहे हो? कर्म। एक हमारा भाई सफाई कर्मचारी, शहर को स्वच्छ रखने के लिए रोड पे झाड़ू लगा रहा है, वो भी क्या कर रहा है? कर्म। ठीक है बात? चलो फिर लिखो, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी। कई लोग सोचेंगे सर वो नहीं बताए सभ्यता को किसने बताया, वो बता दे। पढ़ाने का तरीका महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे तीन चीजें हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वो फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला लिखो, ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता, बट अंडरलाइन करते जाना, ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। नेक्स्ट लिखना, ऋग्वेद में
ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख आया है? सिंधु नदी का उल्लेख आया है, फिर लिखे सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, फिर लिखना गंगा का उल्लेख एक बार आया है, गंगा का उल्लेख एक बार आया है। दो हजार आठ के लगभग राष्ट्रीय नदी, और इसमें रहने वाली डॉल्फिन राष्ट्रीय मछली, राष्ट्रीय यही है, इसके पहले कोई भी नहीं थी। डॉल्फिन और एक अभ्यारण्य बिहार में, विक्रमशिला गंगा अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगा अभ्यारण्य यहां पे संरक्षण दिया जा रहा है बिहार में भैया है। किसको संरक्षण दिया जा रहा है? डॉल्फिन को। कहां पे? बिहार में, बिहार के भागलपुर में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी आम आदमी, और मत करो, जनता दल यूनाइटेड। कौन सी है? जनता दल। बिहार के सर्वाधिकार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, इधर अदला बदली कर लिए, अब वो आठवीं बार बने अभी तो। अरे पर पाला भी चेंज करते रहे ना बीच में, दो साल तुम्हारे साथ, दो साल इनके साथ, तो ऐसा उनकी छवि रही है, वो जाने। अपन पढ़ो, चलो बड़े आगे। अब बड़ा ये लिख लो, नदियों के प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। भारत की क्योंकि ब्रह्मपुत्र दो ही राज्य में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम, फिर चली जाती है बांग्लादेश, लेकिन ब्रह्मपुत्र की लंबाई गंगा से ज्यादा है। लेकिन गंगा भारत के पांच राज्यों में बहती है और ब्रह्मपुत्र दो राज्यों में बहती है, इसलिए बड़ी। ये लिख लेना और याद हो जाएंगे मेरे ख्याल से। झेलमा हो गया ना, जाए झेलम झेलम कर देते। और सामान्य फैक्ट है, आम जीवन में जुड़े हैं आपके। बड़े आगे, हाँ लिख लो लिख लो। अब कई लोग सोचेंगे सर क्या बराबर हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा और ये दो बार रिवीजन भी हो जाएगा? हो जाएगा, डेली रिवीजन हो रहा है आपका, नहीं हो रहा क्या? हो रहा है ना, सुबह रिवीजन कर रहे, शाम को रिवीजन कर रहे, जो पढ़ा उसका बार बार हम रिवीजन कर रहे, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा और दो बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये क्या चल रही फिर 12 से 7? वैसे ही करवा दूंगा, सारा हो जाएगा उसके बाद, बिल्कुल 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 लगेगी गंडक। चलो बेटा बड़े आगे, अब मेरी बात सुनना। अब सिंधु सभ्यता के 250 वर्ष बाद, 250 कितना? 250। कौन सी सभ्यता का जन्म हुआ? वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता को बसाने का श्रेय जाता है आर्यों को। किसको जाता है? आर्यों को। पहली बात, वैदिक सभ्यता को किसने बसाया? आर्यों को। वैदिक सभ्यता को किसने बसाया? आर्यों को। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। भाषा कौन सी? संस्कृत। भाषा कौन सी? संस्कृत। बसाया किसने? आर्यों ने। बसाया किसने? आर्यों ने। भाषा संस्कृत, भाषा संस्कृत। क्लियर बात? सबसे महत्वपूर्ण बात है ना,
अब आर्यों के स्थान के मानने के रूप में आर्य कहां से आए? तो आर्य आए मध्य एशिया से। कहां से आए? मध्य एशिया। और इसके प्रमाण के रूप में एक व्यक्ति का कथन ही प्रमाणिक है, और उस व्यक्ति का नाम है मैक्स मूलर। क्या नाम है? मैक्स मूलर। क्या नाम है? मैक्स मूलर। ईरान इराक का जो क्षेत्र है क्या कहलाया? मध्य एशिया। तो आर्य कौन से एशिया से आए? मध्य एशिया। आर्य मध्य एशिया से आए, ये बात किसने कही? मैक्स मूलर ने। किसने कही? मैक्स मूलर ने। ठीक है, सबसे प्रमाणिक कथन किसका? मैक्स मूलर का। किसके आने के संबंध में? आर्यों के। किसके आने के संबंध में? आर्यों के। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक। चलो उपाधि बताओ इनकी, लोकमान्य। इनका एक नारा बताओ, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। क्लियर। लोकमान्य तिलक ने दो किताबें लिखी है, एक किताब का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? लोकमान्य तिलक। अच्छा, उनका पूरा नाम क्या था ऐसे वास्तविक? बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक का पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक। तो एक पुस्तक तो उन्होंने कौन सी लिखी? गीता रहस्य। गीता रहस्य किसने लिखी? लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर। एक किताब का नाम है आर्कटिक, द होम ऑफ वेदास। आर्कटिक द होम ऑफ वेदास। आर्कटिक द होम ऑफ वेदास। इस पुस्तक में आर्यों की स्थिति के या आर्य कहां से आए, इस किताब में इसकी जानकारी किसने दी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दी? बाल गंगाधर तिलक। तो गीता रहस्य किसकी? गीता रहस्य किसकी? गीता रहस्य किसकी? गीता रहस्य किसकी? बाल गंगाधर की उपाधि लोकमान्य। बाल गंगाधर की उपाधि लोकमान्य। गीता रहस्य किसकी पुस्तक? बाल गंगाधर तिलक। आर्कटिक द होम ऑफ वेदास, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य, बाल गंगाधर। और आर्कटिक द होम ऑफ वेदास किसके संबंध में लिखी? आर्यों के। कि आर्य कहां से आए, आपसे पूछा। आर्यों के संबंध में बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी? आर्कटिक द होम ऑफ वेदास। उपाधि क्या इनकी? लोकमान्य। उपाधि क्या इनकी? लोकमान्य। वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। तो किसे भारतीय अशांति का जनक कहा? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा? वैलेंटाइन ने। किसने कहा? वैलेंटाइन ने। किसने कहा? वैलेंटाइन ने। क्या कहा? भारतीय अशांति। किसे कहा? बाल गंगाधर। किसे कहा? बाल। अर्धनग्न फकीर किसे कहा गया? महात्मा गांधी। क्लियर बात लिखो। वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बसाया। 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 आए वहां पे, है ना, वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बसाया। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट पॉइंट, आर्य मध्य एशिया से आए। आर्य मध्य एशिया से आए। आर्य मध्य एशिया से आए। यह प्रामाणिक कथन मैक्स मूलर ने दिया। यह प्रामाणिक कथन मैक्स मूलर ने दिया। यह प्रामाणिक कथन मैक्स मूलर ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रामाणिक कथन मैक्स मूलर ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक ने
बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के संबंध में आर्कटिक द होम ऑफ वेदास नाम सामने लिखा है, आर्कटिक द होम ऑफ वेदास पुस्तक की रचना की, अच्छा दो महाकाव्यों का नाम तो आपने सुना है लॉकडाउन में, जो देखा लॉकडाउन में क्या देखा दूरदर्शन पे, रामायण, और रामायण के थोड़े दिन बाद फिर चालू हो गई थी महाभारत। तो रामायण और महाभारत क्या है हमारे, महाकाव्य। रामायण और महाभारत क्या है, महाकाव्य। सर महाकाव्य क्या है समझ लो, केवल ऐसे ग्रंथ जिसमें किसी व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं, महाकाव्य। और किसी व्यक्ति के जीवन की केवल एक ही घटना का वर्णन हो तो खंड काव्य। जैसे जहां सुंदरकांड होता है, कौन सा कांड होता है, सुंदरकांड। सुंदरकांड क्या है, खंड काव्य। और महाभारत क्या है, महाकाव्य। रामायण क्या है, महाकाव्य। वैदिक सभ्यता के अंत में समाप्ति के बाद हम देखते हैं दो महाकाव्यों की रचना हुई अंत में, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना की वाल्मीकि, रामायण की रचना की वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, महाभारत वेदव्यास, महाभारत वेदव्यास, महाभारत वेदव्यास। जय संहिता किसका नाम है, महाभारत का। जय संहिता किसे कहा जाता है, महाभारत। दूसरी चीज, तमिल में रामायण का तमिल अनुवाद किया कंबन ने, किसने किया, कंबन ने। रामायण का तमिल अनुवाद कंबन ने किया, कौन सी भाषा में, तमिल। तमिलनाडु में कौन सी भाषा, तमिल। तमिलनाडु में तमिल, तमिलनाडु में तमिल। क्लियर बात, एक बार पढ़ लो इसको, इसके आगे। अच्छा पहले थे वो तो, बाद में थोड़ी, हाँ पहले थे, हाँ एक बार पढ़ लो पूरा, फिर इसको कल कंप्लीट करेंगे। और देखो भैया दो लेक्चर जीके के लग रहे, शाम वाला भी अटेंड करना जरूरी है, है ना, दोनों मिलके ही पूरे होंगे, नहीं तो एक अटेंड करके शाम को आज काम आ गया आज नहीं तो वो फिर जवाबदारी आपकी है, ये ध्यान रखना। दोनों लेक्चर से ही सिलेबस कंप्लीट होगा, है ना, मैं दोनों लेक्चर से ही हिसाब से सिलेबस लेके चल रहा हूँ, वरना आप सोचे एक लेक्चर में हो जाए, संभव नहीं है। दोनों लेक्चर अटेंड करना जरूरी, आखिर अंतिम लेक्चर का भी अपना 6 से 7। क्लियर है, चलो एक बार पढ़ लो फिर विविध देखेंगे। दो बार पढ़ लो एक बार अच्छे से, बातें नहीं। दवा बाजार से दो बार फेंकेंगे तो क्या आर्मी में जा पाओगे, नहीं जा पाओगे ना, दिक्कत आएगी तुमको जाने में, है ना, नहीं से फेंके। Thank you.
चलो पढ़ लिया। चलिए विविध वाला, पहले बात करते हैं कुछ संगठन की। विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन है स्पेन की राजधानी में। किसकी राजधानी? स्पेन की। और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। खाद्य एवं कृषि संगठन, ये इटली की राजधानी में। इटली की राजधानी क्या? रोम। इटली की राजधानी रोम। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा। यूनिसेफ न्यूयॉर्क। यूनिसेफ न्यूयॉर्क। यूनिसेफ न्यूयॉर्क। यूनेस्को पेरिस। यूनेस्को पेरिस। यूनेस्को पेरिस। यूनेस्को पेरिस। और भारत के संगठन में एक हमारा छूट गया था, नाबार्ड। कौन सा? नाबार्ड। और नाबार्ड का मुख्यालय भी कहां पर है? मुंबई। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई। क्लियर बात? चलिए शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? ऋग्वेद से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद के कितने मंडल? 10। ऋग्वेद के कितने मंडल? 10। किसमें दशराग युद्ध का वर्णन है? 7। किसमें दशराग युद्ध का वर्णन? 7वां। वर्ण व्यवस्था कहां से? ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था कहां से? ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था कहां से? ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था के कितने भाग? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में कर्म के अनुसार, उत्तर वैदिक काल में जन्म के अनुसार। ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र। सर्वाधिक बार उल्लेख नदी सिंधु। पवित्र नदी सरस्वती। गंगा का उल्लेख एक बार। गंगा का उल्लेख एक बार। वितस्ता का वर्तमान नाम झेलम। वितस्ता का वर्तमान नाम झेलम। अश्किनी चिनाब। पौरुषणी पौरुषणी पौरुषणी। विपाशा विपाशा। सतुद्री सतुद्री। सदानीरा सदानीरा। गंडक का प्राचीन नाम। गंडक का प्राचीन नाम। सतलज का प्राचीन नाम। सतलज का प्राचीन नाम। व्यास का प्राचीन नाम। व्यास का प्राचीन नाम। रावी का प्राचीन नाम। रावी का प्राचीन नाम। दशराज युद्ध कौन सी नदी के किनारे? पौरुषणी मतलब रावी। चिनाब का प्राचीन नाम। चिनाब का प्राचीन नाम। झेलम का प्राचीन नाम। वैदिक सभ्यता को किसने बसाया? आर्यों ने। किसने बसाया? आर्यों ने। आर्यों की भाषा? आर्यों की भाषा। आर्य कहां से आए? मध्य एशिया। किसने कहा? किसने कहा? वैदिक सभ्यता के संबंध में सबसे प्रामाणिक कथन मैक्स मुलर। सबसे प्रामाणिक कथन वैदिक सभ्यता में आर्यों से संबंधित किताब किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की उपाधि लोकमान्य। कौन सी किताब लिखी? आर्कटिक द होम ऑफ वेदास। उन्होंने एक और किताब लिखी, क्या नाम है? गीता रहस्य। गीता रहस्य किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। आर्कटिक द होम ऑफ वेदास किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। चलिए विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड। विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड। खाद्य कृषि संगठन रोम। खाद्य कृषि संगठन रोम। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा। यूनिसेफ न्यूयॉर्क। यूनिसेफ न्यूयॉर्क। यूनिसेफ न्यूयॉर्क। यूनेस्को यूनेस्को यूनेस्को। और भारत में नाबार्ड मुंबई। भारत में नाबार्ड मुंबई। आरबीआई मुंबई। आरबीआई आरबीआई। एसबीआई एसबीआई। बीओआई बीओआई बीओआई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। केनरा बैंक
बेंगलोर, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक चेन्नई, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। और कल शाम वाली क्लास में हमने पढ़ा हाई कोर्ट, देश में कितने हाई कोर्ट 25, देश में कितने हाई कोर्ट 25, सबसे पुराने 3 हाई कोर्ट मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, कौन थी? लीला सेठ। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं? एक। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, पहले कौन थे? हीरालाल जी कानिया। एकमात्र मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। फिर सरकार जो पैसा खर्च करती है उसकी जांच कौन करता है? के, कौन करता है? के, लोक लेखा समिति का मित्र के। लोक लेखा समिति में कितने मेंबर? 22। कितने मेंबर? 22। लोकसभा से 15। लोकसभा से 15। राज्यसभा से? राज्यसभा से? राज्यसभा से। जब भारत का राष्ट्रपति बनता है तो उसे शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है तो उसे शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनता है? 5 साल। उपराष्ट्रपति 5 साल। राष्ट्रपति 5 साल। उपराष्ट्रपति 5 साल। राष्ट्रपति 5 साल। उपराष्ट्रपति 5 साल। एक और चीज खेल भी बताए थे कल, चलिए खिलाड़ियों की संख्या। पोलो 4, पोलो 4, वाटर पोलो, वाटर पोलो, वाटर पोलो, कबड्डी, कबड्डी, खो खो, खो खो, खो खो, हॉकी, 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 फुटबॉल, फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, बास्केटबॉल 5, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल 6, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल 7, नेटबॉल, बेसबॉल 9, बेसबॉल 9। फिर से बोलिएगा, बास्केटबॉल, 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 वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल, 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 बेसबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल 5। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल, भारत, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, भूटान, तीरंदाजी, भूटान, 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 श्रीलंका, वॉलीबॉल, श्रीलंका, 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 बांग्लादेश, कबड्डी, बांग्लादेश, 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 जापान, जूडो, जापान, स्पेन, बुल फाइटिंग, स्पेन, स्कॉटलैंड, गोल, स्कॉटलैंड, फ्रांस, फुटबॉल, रशिया, फुटबॉल और शतरंज, इंग्लैंड, क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट। चलिए बस राजधानी और बता दीजिए, डेली पढ़िएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लिखिए और पढ़िए, 10 मिनट केवल घर पर पढ़िए, बाकी कोई मगजमारी मत कीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन जवाब देंगे तो, क्योंकि बाबा रामदेव भी बोलते हैं करने से होता है, ये तो वो बोल देंगे लो मेरा पंटेंट चुरा ले। चलिए राजधानी भारत की, दिल्ली, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, अफगानिस्तान, काबुल, अफगानिस्तान, नेपाल, काठमांडू, शांत गदाधारी भीम शांत, नेपाल की काठमांडू, बांग्लादेश, ढाका, बांग्लादेश, बांग्लादेश, रूस, मास्को, गुड, रूस,
रूस, ईरान, तेहरान, ईरान, इराक, इराक, इजराइल, जेरूसलम, इजराइल, फिलिस्तीन, रामल्ला, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, रियाद, सऊदी अरब, ओमान, मस्कट, ओमान, यूएई, अबू धाबी, यूएई, कतर, कतर, कुवैत, कुवैत सिटी, कुवैत, 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 अमेरिका, 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 फ्रांस, पेरिस, जर्मनी, बर्लिन, जर्मनी, पोलैंड, वार्सा, पोलैंड, पोलैंड, इटली, रोम, इटली, 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 नॉर्वे, ओस्लो, नॉर्वे, स्वीडन, स्टॉक करो और घर में डाल दो, स्टॉकहोम, स्वीडन, स्टॉकहोम, स्वीडन, स्वीडन, अब नई राजधानी है ना, ये शाम को पूछूंगा, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, बोलो जरा, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, 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 चिली, सेंटियागो, चिली, सेंटियागो, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, चिली, 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 पनामा, पनामा सिटी, पनामा, 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 बोलिविया, लापास, बोलिविया, लापास, बोलिविया, लापास, कितनी बताई, चार, वापस से, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, चिली, सेंटियागो, चिली, सेंटियागो, चिली, सेंटियागो, चिली, सेंटियागो, चिली, सेंटियागो, पनामा, पनामा सिटी, पनामा, पनामा सिटी, बोलिविया, लापास, बोलिविया, लापास, राजधानी दो तीन दिन में तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तो फिर मैं मौखिक करवाऊंगा मुद्राएं, क्या मुद्राएं, तो याद आपके ऊपर है, आप जितना बोलोगे याद होगा, क्लियर, चलिए इसका रिविजन हम शाम करेंगे। लापास विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, चलिए फिर हम 6 से लेक्चर मिलेंगे, डेली लेक्चर अटेंड करोगे सिलेबस होगा, क्लियर है, बंद हो गया, हो गया खत्म, स्विट्जरलैंड, 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 कौन पूछ रहा,